फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट हमारा, आप देख रहे हैं सोहम स्टूडियोज। सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक तो टाइटल पढ़ ही लिया होगा। यस गाइस, मैं खेलने जा रहा हूँ निंजा गेमिंग 6289 के साथ। खेलने जा रहा हूँ, रोज खेलता हूँ मैं यार निंजा के साथ। निंजा के क्लब में हूँ मैं, सिलेक्टेड भी हूँ 30 मेंबर कैपेसिटी के लिस्ट में। सो फिर आपको मालूम ही होगा निंजा एक बहुत ज़्यादा कूल यूट्यूबर है। निंजा का एक चैनल भी है निंजा गेमिंग 6289, और एक्चुअल में उसके 500 सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस हो गए हैं, पर अभी तक उसे कम्युनिटी टैब नहीं मिला, तो इसलिए वो मुझे बड़ा वाला शाउट आउट नहीं दे पाया जो उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। सो फिर यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जब भी मैं स्टू बनता हूँ भर भर के किल्स होते हैं मेरे से, और भागना पड़ेगा मुझे। और बस तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? ओ नो, जैसी ने मार दिया। बस नहीं मार पा तो जैसी नहीं मार दिया। जैसी को भी गुस्सा आया होगा कि मैंने उसके टीममेट को कितने प्रो वे में मारा। और यहाँ पे निंजा के पास 10 पावर क्यूब्स है। निंजा ने भी बहुत हेल्प की मेरी गाइस। और यहाँ पर बस अभी हमारे पास आएगा, नहीं जैसी को टरट आ गया यार हमारे पास। जो भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसके उसके एकदम अपोजिट क्यों होता है गाइस मेरे साथ? क्या मैं अपोजिट मैन बन गया हूँ क्या? और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लिच कर गया, इस चक्कर में हम सेकंड आए, पर फिर भी निंजा बहुत ज़्यादा कूल है। और निंजा कुछ लिख रहा है, ओम हीरो। ओ या निंजा हीरो हीरो। ओ नो सॉरी सॉरी निंजा। और यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने सेकंड मैच में। और एक मिनट हुआ इस वीडियो को, अभी 2 मिनट होने वाले हैं। और यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा लैग क्यों मार रहा हूँ? प्लस गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया इस वीडियो के स्टार्ट में कि मेरे एग्ज़ाम्स आज से ही स्टार्ट हुए हैं, पर मैं अपने एग्ज़ाम्स को डेली कंटेंट सैटरडे टू सैटरडे कंटेंट होता है वो, तो हम हाँ तो अपने सैटरडे टू सैटरडे कंटेंट को रुकने नहीं दूंगा, क्योंकि यार ऑलरेडी मैं 1 महीने से पता नहीं कहाँ गायब हो गया हूँ। ऊपर से मैं इतने ब्रेक लूँगा तो फिर थोड़ी प्रोग्रेस होगी यार मेरे चैनल की। प्रोग्रेस के लिए नो गट्स चाहिए। ओ अपना ज्ञान दे रहा हूँ क्या मैं? और यहाँ पर ओ नो, मुझे सर्ज ने मार दिया गाइस। और मैं अभी लैग भी नहीं हो रहा था, मैं बस रिकॉर्डर हिला रहा था अपना। और यहाँ पर सर्ज ने मार दिया, हम रैंक 4 आए हैं और -5 हो गई। चलो गाइस, निंजा तो जा रहा है शायद। ओके तो यहाँ पे निंजा ने लीव कर दी है टीम। अब ऐसा नहीं कि वो अपने खेलने में लग जाए, प्लीज़ निंजा, नहीं तो ये बहुत बड़ा बिट्रेल होगा। सो गाइस, ये वीडियो अब इधर ही ख़त्म नहीं कर रहा हूँ मैं, एक सोलो का मैच भी खेल लेते हैं, क्योंकि यार हमारे वीडियोस की आइडेंटिटी सोलो शोडाउन से है, ना कि डुओ शोडाउन से। माना कि मैंने 2 वीडियोस डुओ शोडाउन पे डाल दिए, 1 सेकंड, 2 काउंट करने दो गाइस मेरे को। ये वाला डुओ शोडाउन पे था 2 मैचेस, घरांग के साथ मैंने डुओ शोडाउन खेला था, और रिथ के साथ भी तो मैंने डुओ शोडाउन खेला था जब मेरे को कर्नल रफ्स मिला था। तो यहाँ पे 3 वीडियोस हो गए शोडाउन के, और आई एम अ प्रो गाइस, आई एम अ प्रो। इमोट दिखाया जाए इसी खुशी में। और यहाँ पर जल्दी से मुझे सर्ज को मारना होगा, क्योंकि यार सर्ज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, बहुत टॉक्सिक है सर्ज का गैजेट। उसका गैजेट या तो रिप्लेस कर दो या फिर सर्ज को डिलीट कर दो गेम से, बेस्ट सोल्यूशन है गाइस सर्ज को डिलीट कर डालना। और यहाँ पे मैं स्लो डाउन हो गया हूँ, थोड़ा सा हील और निकलो। प्लस आपने देख ही लिया होगा अभी तक तो, विकेट्स 2 खरीद ली थी मैंने। एक्चुअल मैं अभी रिसेंटली नहीं खरीदी, जिस दिन बैड रैंडम इवेंट स्टार्ट हुआ था उसी दिन मैंने इसे खरीद लिया था, फर्स्ट डे बाय था ये। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस, मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि निंजा के चैनल निंजा गेमिंग 6289 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यार निंजा बहुत ज़्यादा प्रो है, और ऊपर से वो तो मेरे से भी ज़्यादा एक्टिवली डालता है वीडियोस। सो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।